Hello 10th standard, welcome back to the crystal concept and this is Shubham and today we are going to solve 10th standard SSC geometry का complete questions paper. देखो, I hope आप सभी की boards exams की जो preparation है ना बहुत अच्छी चल रही होगी. But you know that कि अपने boards exams के पहले school में एक exam conduct की जाती है जिसको हम prelims exam बोलते हैं. तो उस prelims exam में क्या होने वाला है, complete syllabus आएगा और एक तरीके से आप बोल सकते हो कि आपके बोर्ड्स की ही वो प्रैक्टिस है. तो बोर्ड्स की प्रैक्टिस के लिए आपको अपने प्रीलिम्स एग्जाम पे बहुत ज्यादा मेहनत करनी जो लगभग जनवरी में होने वाली है. सो लेट्स बिगिन विद प्रीलिम्स एग्जाम का ज्योमेट्री का ये क्वेश्चन पेपर है जिसको हम पूरा सॉल्व करेंगे. बट आपको कोशिश करना है कि पूरे पेपर को आप मेरे से पहले हर क्वेश्चन को मेरे से पहले अटेम्प्ट करो. अगर आंसर नहीं आ रहा तो फिर आप मेरे सॉल्यूशन को चेक कर सकते हो जो मैं इस वीडियो में देने वाला हूं. ओके, लुक एट दिस, दिस इज द कंप्लीट क्वेश्चन पेपर जिसका सॉल्यूशन मैं मतलब क्रिस्टल कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करने वाला है. सो लुक एट दिस, दिस इज योर कंप्लीट क्वेश्चन पेपर और सॉल्व करते हैं. पेन पेपर और कॉपी भी निकाल दो, ठीक है. पेपर को सॉल्व करने के पहले आपको एक चेकआउट करना है कि आपने अपना व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन किया कि नहीं किया. अगर आपने व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो. लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है. चेकआउट करो और जाओ चैनल पे, जितने भी वीडियोस अपडेट आएगी नए वीडियो के रिलेटेड आपको वहां पे मिलती रहेगी, ठीक है ना. तो ये है हमारा 10th ज्योमेट्री का प्रीलिम्स एग्जाम्स का क्वेश्चन पेपर. लुक एट दिस, शुरुआत करते हैं हम. देखो, प्रीलिम्स एग्जाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो परफेक्ट आपका जो बोर्ड का पैटर्न होता है, बोर्ड का एग्जाम जो होने वाला है उसी पैटर्न में क्वेश्चंस होते हैं. तो यू कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ बोर्ड पेपर जो आपके स्कूल में एक बार पहले होगा बोर्ड्स के, ठीक है. नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 1 ए, आपको 4 मार्क्स से पूछा जाएगा और चारों के चारों एमसीक्यू रहेगा. आंसर करते समय इसका बात का आप जरूर ध्यान रखना कि आप सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 ए अपने एग्जाम शीट में लिखने वाले आंसर शीट के अंदर, फिर जो भी ऑप्शन नंबर 1 का आंसर होगा उसका जो भी लेटर है, लेट से पहले का आंसर बी है तो आपको बी लिखना है. आप चाहो तो आगे का आंसर 4 लिख सकते हो बट आप ये बी लिखना मत भूलिएगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट जो बोर्ड्स आपको हमेशा बोलता है. ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद एमसीक्यू. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अ ट्रायंगल एबीसी, एबीसी नाम का ट्रायंगल है एंड डी नाम का ट्रायंगल है और दोनों ट्रायंगल कैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है. अगर दोनों ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ऑब्वियसली दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं. तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दोनों हो जाएंगे सिमिलर. तो आई कैन से दैट ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, डीईएफ. और अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर्स होते हैं तो उनके एरिया का रेशियो जो होता है वो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है. मैं समझाता हूँ कैसे होता है, आपको यहाँ पे डी फाइंड आउट करना, करेक्ट है. तो हम क्या लिख लेंगे, द एरिया का रेशियो, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, 1/2. परफेक्ट. अब यहाँ पे देखो, एरिया का जो रेशियो होता है करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है. हमें डी ई फाइंड करना है. लुक एट दिस, डी ई कहाँ पे, ये रहा डी ई. डी ई के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है, ए बी. तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया के रेशियो के जगह पे हम लिखेंगे ए बी का स्क्वायर करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर ना. तो स्क्वायर करके साइड लिखना है, ए बी स्क्वायर फिर डी ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2. नाउ लुक एट दिस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए बी, 4. परफेक्ट. ए बी का वैल्यू कितना है, 4. तो ऊपर लिख देंगे 4 का स्क्वायर, नीचे लिख देंगे डी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1/2. तो आप देख पाओगे 4 का स्क्वायर 16 एंड डी ई स्क्वायर नीचे रह जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 टू जा इट्स बिकम 32 बाद में करते और डी ई इधर आके 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दिस इज बिकम डी ई का स्क्वायर. नाउ हमें डी ई स्क्वायर निकालना है कि डी ई निकालना, हमें निकालना है डी, वी हैव टू टेक स्क्वायर रूट बोथ साइड. सो टेक स्क्वायर रूट, ऑब्वियसली यार एग्जाम में आपको ये सब सॉल्व नहीं करना है बट अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हर क्वेश्चन का हमें मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है. That's why मैं हर चीज को आपको समझा रहा हूँ, ठीक है. Now take a square root. तो जब आप square root लोंगे तो ये DE का square DE बच जाएगा और ये पूरा का पूरा square root में चला जाएगा. Now what is the square root of 16? Perfect, 4. And what is the square root of 2? We don't know. So just put 2 into the square root and this is your final answer. That is 4√2. Look at this, 4√2. Where is it? Option number D. So you can write that option. पहले का आंसर हो चुका है D and you can write 4√2. Perfect. So this is your answer of this MCQ number 1. Okay, तो ये हो चुका है हमारे first का answer. Now look at this.
दिस इज योर सेकेंड एमसीक्यू, और यहाँ पे आपको बोल के रखा है कि ए बी सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। यहाँ पे ए बी और सी ट्राइंगल के साइड है, मतलब ट्राइंगल के साइड है, लेट्स से ए बी और सी। नाउ लुक एट दिस, क्या दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। कैन यू सी दैट दिस इज द पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। सो दिस कंफर्म दैट दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल ट्राइंगल पे लगता है, तो आपको यहाँ पे ट्राइंगल पहचानना था, तो दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, दैट इज टू का हो गया आंसर सी। परफेक्ट, आई होप सो यू कैन अंडरस्टैंड, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन, और हर क्वेश्चन का आंसर आपका मेरे से पहले अगर आ रहा है ना, तो जरूर जरूर कमेंट करना। मेरा विश्वास हमेशा रहता है कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी आपका एग्जाम जाने वाला है। अभी आप ज्यादा यूट्यूब पे टाइम व्यतीत ना करना, हो सके उतना प्रैक्टिस करना, जो प्रैक्टिस करवा रहा उससे प्रैक्टिस करना, और जो मोटिवेट कर रहा है मत थोड़ा बहुत देख लेना, बट स्टिल आपको अपने फोकस अपने प्रैक्टिस पे, अपने नॉलेज पे, अपने स्किल्स पे ही रखना है, वही बहुत हेल्प करने वाली, ठीक है। और राइटिंग खराब है तो राइटिंग पे ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि बोर्ड्स एग्जाम में कितना आता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कभी कभी मुझे लगता है कि आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस पेपर आपको शेयर करूंगा मेरे स्टूडेंट्स के, अगर आप कमेंट करोगे तो इट्स विल हेल्प यू कि हाँ कैसे लिखा जाता है, उसकी जो गलतियां होगी वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, बट आप कमेंट करना जरूर। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 3, क्या पूछा है, टू सर्कल्स आर टचेस एक्सटर्नली, दो सर्कल एक दूसरे से बाहर से टच कर रहे हैं, बाहर से टच कर रहे हैं मतलब कुछ इस प्रकार से, एक ये पहला सर्कल है लेट से और दिस इज योर सेकंड सर्कल, दोनों एक दूसरे से एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। ओके, हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट ऑफ देम कैन बी ड्रोन, तो उनके साथ में कितनी कॉमन टेंजेंट्स, मतलब दोनों टेंजेंट्स क्या हो, कॉमन टेंजेंट्स हो जो एक ही पॉइंट से निकल, तो कितनी कॉमन टेंजेंट्स हो सकती है दो सर्कल के बीच में। तो जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो लुक एट दिस, कॉमन टेंजेंट कौन कौन सी होगी यहाँ पे, अच्छे से ध्यान, एक तो ये कॉमन टेंजेंट हो जाएगी जो दोनों को टच कर रही है, एक ये वाली हो जाएगी लुक एट दिस, ये भी कॉमन टेंजेंट है यहाँ पे टच कर जाएगी ये, और एक ये वाली देखो ये बीच में से जाने वाली, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो टोटल 3 कॉमन टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। ओके, नाउ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट -3.4 एंड ओरिजिन, तो ओरिजिन का मतलब तो पता आपको 0.0 होता है और -3.4 आपको दे रखा है, इन दोनों पॉइंट के बीच की आपको दूरी निकालनी, मतलब आपको डिस्टेंस निकालना है। नाउ यू नो दैट अगर एक पॉइंट ओरिजिन है तो डिस्टेंस निकालना बहुत ईजी है, कैसे निकाला जाता है, परफेक्ट, बहुत लोगों ने इसका आंसर कमेंट में बता दिया है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, -3, परफेक्ट, तो -3 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई, 4 का स्क्वायर, सो दिस आंसर इज बिकम 9 + 16, दिस इज बिकम 25, और 25 का रूट तो आपको बच्चे बच्चों का आता है 5, तो आंसर हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा आंसर, लुक एट दिस, ये रहा आंसर आपका 5। ध्यान रखना डिस्टेंस का सवाल है, नेगेटिव आंसर तो कभी भी नहीं हो सकता, अगर आपको आंसर नहीं निकालना आ रहा तो नेगेटिव वाले को तो हटा दो वहां से, ठीक है, परफेक्ट, ध्यान रखना। तो ये भी हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का भी ये भी आपको पूछा जाएगा, टोटल 4 मार्क्स के लिए और हर क्वेश्चन को आपको एक एक मार्क्स मिलने वाला है। नाउ लुक एट दिस, क्या है पहला क्वेश्चन, इन राइट एंगल ट्रायंगल साइड्स मेकिंग द राइट एंगल ट्रायंगल आर 9 and 12, एक राइट एंगल ट्रायंगल है एंड साइड मेकिंग द राइट एंगल्स आर, मतलब राइट एंगल के पास वाली जो साइड है वो 9 है और 12 है, फाइंड द हाइपोटेनियस, मैं समझाता हूँ कैसे, लुक एट दिस, ये है आपका राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल के पास वाली जो साइड से दोनों, एक ये वाली और एक ये वाली, ये साइड है आपकी 9 और ये साइड है आपकी 12, आपको हाइपोटेनियस फाइंड कर, तो आपने ड्रॉ कर दिया फटाफट, तो आंसर क्या होता है, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। चलो, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ बेस का स्क्वायर, या परफेक्ट, दैट इज 9 स्क्वायर एंड हाइट स्क्वायर इज परफेक्ट 12 का स्क्वायर, सो दिस इज बिकम 81 + 144, कैन यू ऐड दिस, ओके दिस इज 9, दिस इज 12 एंड दिस इज अगेन 12, कुछ गलती किया क्या मैंने, 8 और 4 12 1 कैरी 3, दिस इज 329, जस्ट लेट मी ऐड अगेन 81, सो दिस इज 5, ओके मैंने ऐड गलती कर दी, दिस इज 5, दिस इज 12 एंड दिस इज 2, this has become 225, perfect, now hypotenuse ka square humne nikala, what we have to find, we have to find hypotenuse, not hypotenuse ka square, so we have to take square root both sides, so it's become value of hypotenuse become after taking the square root, can you tell me the what is the square root,
225, परफेक्ट। 225 का स्क्वायर रूट होता है 15, सो आंसर इज बिकम 15 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ चुका है आपका 50। ठीक है, थोड़ा सा मुझे स्पीड रखना ही पड़ेगा बिकॉज पेपर बड़ा होता है, 40 मार्क्स का पेपर है। नाउ व्हाट इज द मेजर्स ऑफ एंगल इंस्क्राइब बाय द सेमी सर्कल, व्हाट इज द मेजर्स ऑफ द एंगल इंस्क्राइब्ड बाय द सेमी सर्कल, सेमी सर्कल जो एंगल इंस्क्राइब्ड करता है उसका मेजर कितना होता है। तो यहाँ पे आप अच्छे से ध्यान दोगे तो ये सर्कल है हमारा और लेट से हम आधा सर्कल कर लेते हैं यहाँ से, तो आधा सर्कल जो एंगल इंस्क्राइब्ड करता है वो एंगल होता है 90 डिग्री। कितना होता है 90 डिग्री, कहाँ से शुरू करते हैं, देखो इंस्क्राइब्ड एंगल शुरू होता है हमेशा इस तरीके से, यहाँ से आप सर्कल का कोई भी पार्ट ज्वाइन कर लो इस तरीके से, तो नाउ दिस इज योर इंस्क्राइब्ड एंगल। देखो थोड़ा सा गंदा हो गया, मैसी हो गया, लुक एट दिस, ये जो होगा ये आपका इंस्क्राइब्ड एंगल होगा और ये सामने वाले आधे सर्कल को पूरा अपने मुंह में लेके रखा होगा, ठीक है ना, तो दिस इज व्हाट 90 डिग्री, ठीक है ना, उसके पूरे माउथ के अंदर वो एंगल होगा, तो 90 डिग्री का ये हो जाएगा आपका इंस्क्राइब्ड एंगल। ठीक है, नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स द एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो ध्यान रखना स्लोप का एक और फॉर्मूला होता, स्लोप का एक फॉर्मूला होता विच इज इक्वल टू टेन ऑफ थीटा, और थीटा का मतलब यहाँ पे होता है एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है 60 डिग्री, कैन यू टेल मी द वैल्यू ऑफ 60 डिग्री, परफेक्ट, दिस इज रूट थ्री, तो स्लोप आ चुका है आपका रूट थ्री, सिंपल। नेक्स्ट, इफ द पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज 36, फाइंड द डायमीटर, पेरीमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ प्रोट्रैक्टर इज 36, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर, तो यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना सेमी सर्कल प्रोट्रैक्टर क्या होता है पहले वो समझो, सेमी सर्कल प्रोटेक्टर क्या होता है, सेमी सर्कल प्रोटेक्टर मतलब कुछ ऐसा सर्कल, ये तो आधा सेमी सर्कल हुआ, प्रोटेक्टर जब बोला जाता है ये वाला हिस्सा भी आपको जोड़ना है, तो सेमी सर्कल प्रोटेक्टर का पेरीमीटर क्या होगा मुझे बताओ, ये जो सर्कल का पार्ट है ये वाला सर्कल का पार्ट, इसका पेरीमीटर कितना होगा, देखो पूरे सर्कल का होता है 2πr, तो इसका हो जाएगा पाई आर, आधे सर्कल का 2πr को डिवाइड बाई 2 से कट, ये पाई आर, और इसका लेंथ कितना होगा, देखो ये डायमीटर है तो ये हो जाएगा आपका 2 times of r, तो दिस इज व्हाट पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर, दिस इज द पेरीमीटर ऑफ प्रोटेक्टर, और क्वेश्चंस में आपको दे रखा है 36। नाउ यू हैव टू फाइंड अ डायमीटर, आपको क्या फाइंड आउट करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है, तो शुरू करते हैं डायमीटर फाइंड आउट करना, यहाँ पे r कॉमन निकलेगा, अंदर बचेगा पाई प्लस 2 इज इक्वल टू 36। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई, दैट इज 22/7 प्लस 2 इज इक्वल टू 36, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो ये 14 हो जाएगा, तो 22 प्लस 14 6 और 3, दिस इज 36 अपॉन 7 विच इज इक्वल टू अगेन 36। नाउ लुक एट दिस, ये r है, ये 7 इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 से, और ये ऊपर वाला 36 मल्टीप्लाई में है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा 36 कर, r का वैल्यू आ चुका है 7, बट क्वेश्चन में डायमीटर फाइंड करने बोला है, तो डायमीटर इज बिकम 2 टाइम्स ऑफ रेडियस एंड विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 17 एंड विच इज इक्वल टू 14 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर, दैट इज डायमीटर इज इक्वल टू 14, बस पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर ध्यान रखना वो होता है पाई आर प्लस 2 आर, डोंट फॉरगेट दिस, पाई आर प्लस 2 आर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2A एंड यू विल गेट 4 marks, दिस इज द एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आते हैं एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2A और क्वेश्चन नंबर 3A शायद, तो ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये 2 marks का एक होगा, वहाँ यहाँ पे 2 marks से 2 questions है मतलब 4 marks और वहाँ पे 3 marks का एक क्वेश्चन, तो 4 और 3 लगभग 7 marks के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। नाउ यू हैव टू सॉल्व एनी 2 questions आउट ऑफ दिस, हम तीनों के तीनों करेंगे, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं यहाँ पे, लापरवाही हम नहीं करेंगे। नाउ लुक, ABC दे रखा आपको, हाँ ट्रायंगल एबीसी, लुक एट दिस, आप यहाँ पे हम ट्रायंगल एबीसी बना देते हैं और ट्रायंगल एबीसी में एक एम मिड पॉइंट है बीसी साइड पे, तो ये ए, ये बी और ये सी है और एम नाम का मिड पॉइंट है यहाँ पे बीसी साइड पे, दिखा आपको एम नाम का मिड पॉइंट, ओके। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे आपको ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर 290 दे रखा है और आपको ए एम का वैल्यू दे रखा है 8, लुक एट दिस, ए एम का वैल्यू 8 दे रखा है और आपको फाइंड आउट करना बी एम, आपको बी एम फाइंड आउट करना है,
ध्यान रखना ये क्वेश्चन है अपोलिनियस थ्योरम का। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगा रखा है ना, ये दिस इज नथिंग बट अपोलिनियस थ्योरम। तो यहाँ पे आपको पूरा रीजन में लिखना है अपोलिनियस थ्योरम, ठीक है। दूसरा नेक्स्ट आगे देखो, अब ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर का वैल्यू 290 दे रखा है, बट यहाँ पे आपको देख के डर लगेगा कि 145 कहाँ से आ गया। देखो मैं समझा तो 145 कहाँ से आया, यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है, ये 2 दोनों कॉमन निकाला, 2 को कॉमन निकाला, और कॉमन निकालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा आपको। देखो लुक एट दिस, कॉमन निकालने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। अब सामने क्या लिखा था, सामने लिखेंगे हम 290, बिकॉज इन दोनों का वैल्यू हमें दे रखा है 290। अब जो कॉमन निकाला ये 2, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 290 डिवाइड बाय जब 2 करोगे आप तो ये 145 हो जाएगा। तो ये 145 डायरेक्टली इन्होंने लिख लिया है, आपको दिमाग लगाना है, परफेक्ट। अब ध्यान देना जरा, यहाँ पे ए एम का स्क्वायर लिखा, ए एम का वैल्यू कितना 8, यहाँ पे हम पुट कर देंगे 8। यहाँ तक समझ में आया, अब आपको पूरा सॉल्व करके बी एम स्क्वायर का वैल्यू बताना। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ये वाला हिस्सा हम हटा देते हैं यहाँ से तो आपको मैं समझा पाऊँ। ये 145 है, तो ये 145 हो गया, ये 8 का स्क्वायर 64 होगा, इधर से इधर जाना पड़ेगा इसको, तो 64 यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 में से 4 गया तो 1 बच गया, और 14 में से 6 गया तो 8 बच गया, तो यहाँ पे आ जाएगा 81। अब सामने देखो स्क्वायर रखा है और इधर 81 लिखा है, तो हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो बी एम का वैल्यू कितना आ चुका होगा 9, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, कमेंट कर रहे हो ना, आपका आंसर मेरे से पहले आ रहा है, कमेंट करते रहो, व्हाट्सएप चैनल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, अगर आपको बहुत सारे वीडियोस और चाहिए पहले। ये सेकंड वाला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या दे रखा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द टू पॉइंट। मतलब क्या है कि आपके पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, और दो पॉइंट आपको दे रखे, एक है एम पॉइंट जिसकी वैल्यू है -5 एंड 2, और दूसरा पॉइंट है एन पॉइंट जिसकी वैल्यू है 3.2। एक्चुअली मुझे 3.2 को इधर बनाना चाहिए था और इसको इधर, बट स्टिल हमें समझना कोई मतलब नहीं है। और इन दोनों पॉइंट की वाई कोऑर्डिनेट से, वाई कोऑर्डिनेट के किसी पॉइंट से दूरी सेम है, मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है, तो ये पॉइंट क्या होगा बोला है। तो लेट से इसको एज्यूम करते हैं पॉइंट को 0, -y, क्या एज्यूम करते हैं 0, -y। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक मुझे दिख रही है कि यहाँ पे इन्होंने -2 पुट कर रखा है और यहाँ पे 2 दे रखा है, तो यहाँ पे आप पूरे क्वेश्चन में इधर -2 से आपको चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा जिस तरीके से एक्टिविटी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे एक मिस्टेक है, तो ये दूरी दोनों सेम है, तो पी एम इज इक्वल टू पी एन हो जाएगा, क्योंकि ये पी पॉइंट है, ये भी सेम और ये भी सेम है, तो ये सेम हो जाएगा, ठीक है। हमें ये कोऑर्डिनेट फाइंड करना कि भाई बताओ कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर दूरी सेम है, तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर करके स्क्वायर रूट हट जाएगा। आपको पता है कि जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते स्क्वायर रूट आता है, तो स्क्वायर करके हट गया स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे देखो y माइनस ऑफ माइनस 2 लिखा, मतलब इसको y माइनस ऑफ माइनस 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 0, -5, तो यहाँ आ जाएगा 0, -5। इसको सॉल्व करेंगे तो -5 का स्क्वायर 25, ये माइनस और माइनस बन के प्लस बन जाएगा, और ये हमारा यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये ब्रैकेट हम ओपन करेंगे, ये ब्रैकेट हो जाएगा हमारा y²-4y+4, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं, फिर एक्टिविटी के हिसाब से हम अपना दिमाग लगा के वहाँ पे क्या पुट करना है पुट करेंगे। तो पहला हो जाएगा 25, दूसरा हो जाएगा y+2 का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा हमारा y²+4y+4=9+y²-4y+4, ठीक है। अब देखो ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर यहाँ से कट हो जाएगा, ठीक है। 25 और 4 ये मिल जाएगा 29, और ये बच जाएगा आपका यहाँ पे 4y, और यहाँ पे होगा 9+4 13 एंड -4y। थोड़ा सा और नीचे जाके सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो -4y इधर आके इसके साथ मिलके 8y बन जाएगा, और 29 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 13 ऑफ -29, तो यहाँ पे आपको मिलने वाला है, अगर हम माइनस करेंगे तो 3 जो है 9 में से 3 गया तो 6, और 2 में से 1 गया तो 1, और माइनस वैल्यू आएगा दिस इज 8y, और अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो दिस इज बिकम -2, तो y का वैल्यू -2 आया है, तो हमारे कोऑर्डिनेट समय मिल गए, बट अब वहाँ पे क्या पुट करना वो आपको सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 13 इन्होंने लिखा हुआ है, तो 13 यहाँ पे है, देखो अच्छे से देखो, यहाँ पे -4y भी है, यहाँ पे -4y भी है, और यहाँ पे -y² है, तो अगर मैं यहाँ पे y² लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी y² लिखना पड़ेगा, परफेक्ट ना, यहाँ पे भी y² लिखना पड़ेगा, मतलब सामने जो ब्रैकेट खाली है वहाँ पे आ जाएगा y² +4y+29, समझे। इसको सॉल्व करेंगे वो यहाँ तक पहुंचेंगे, डिवाइड करेंगे -2,
तो y की वैल्यू हमें मिल जाएगी माइनस टू कोमा जीरो, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो y का वैल्यू निकालने बोला तो दैट इज माइनस टू फाइनल। ओके, ये हमारी थर्ड एक्टिविटी है जहां पे आपको साइन थीटा का वैल्यू दे रखा है और कॉस थीटा का वैल्यू फाइंड करने बोला है। आपको एक आइडेंटिटी तो पता होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन के बराबर होता है, करेक्ट है। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू 20/9 दे रखी थी, वो यहाँ पे एज इट इज उन्होंने पुट कर दी है। नाउ कैन यू टेल मी द व्हाट इज द वैल्यू स्क्वायर ऑफ 20, तो वो यहाँ पे हमें पुट करना है, क्योंकि देखो ये प्लस में इधर आके माइनस हो जाएगा, करेक्ट ना, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। दिस इज 400/29 का स्क्वायर, तो देखो मेरे को याद नहीं रहता, तो मैं मल्टीप्लाई करके भी फटाफट निकालता हूँ। This is 81, 92 is 18, और 18 और 8 हो जाएगा 26, 0, this is become 18, 1 carry, 2 to the 4, और 1, 5, तो this is become 1, 4, 8, 841, तो ये हो गया हमारा 29 का square, which is 841, फिर हम cross multiply करके जो answer लिखेंगे, तो cross multiply करके कुछ ऐसे होने वाला है, यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4 और नीचे बच जाएगा आपका 841, नीचे 841 बच जाएगा, करेक्ट है। तो ये बन गया 441/841। नाउ स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, 441 स्क्वायर रूट होगा लिखेंगे तो 21 आएगा, और 841 का स्क्वायर रूट आएगा 29, क्योंकि वो सी का स्क्वायर था। तो दिस इज योर फाइनल वैल्यू विच इज 21/29, ठीक है। ये एक्टिविटी हमारी सॉल्व हो गई। नाउ क्वेश्चन नंबर 2B, आपको 8 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, आपको कोई भी 4 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने हैं। तो अब इस वाले क्वेश्चन में अच्छे से देखो, आपको ट्रायंगल एबीसी में ट्रायंगल डीई पैरेलल टू बीसी दे रखा है, तो मतलब यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल बनाते हो इस तरीके से, ट्रायंगल एबीसी ए बी सी, उसमें डीई दे रखा है आपको, और वो डीई इस तरीके से है कि जो डीई है वो हमारे बीसी के पैरेलल है, ठीक है। कुछ वैल्यूज आपको दे रखी है, आपको डीबी का वैल्यू 5.4 दे रखा है, तो DB का वैल्यू 5.4, आपको AD का वैल्यू 1.8 दे रखा है, और EC का वैल्यू आपको 7.2 दे रखा है, और आपको यहाँ पे AE निकालना है। तो ये एक तरीके से BPT का क्वेश्चन है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का। सो बाय अप्लाइंग, देखो DE पैरेलल टू BC अगर आपको दे रखा है, दिस इज गिवन, सो वी कैन अप्लाई दैट AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC। तो AD का वैल्यू 1.8, 5.4, AE का वैल्यू हमें नहीं पता, और ये हो जाएगा 7.2, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अच्छे से देखोगे, ये पॉइंट को मैं रिमूव कर सकता हूँ, बिकॉज दोनों ऊपर नीचे एक एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं रिमूव करके 18/54 बेझिझक लिख सकता हूँ, और यहाँ से 7.2 इधर मल्टीप्लाई होके आ जाएगा, तो ये 7.2 आपका इधर आ जाएगा। नाउ 18 के टेबल में 54 आता है, तो 18 के टेबल में 54 आता है 3 पे, तो ये 3 पे आ जाएगा, तो आपका आ गया 7.2/3 विच इज इक्वल्स टू AE। ओके, अब डिवाइड करेंगे 2 4, तो 2.4 आपका आंसर आएगा AE का, तो दिस इज योर फाइनल वैल्यू ऑफ AE दैट इज 2.4, ठीक है। तो ये सिंपल था, तो यहाँ पे आपको रीजन जरूर लिखना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम दैट इज BPT, ओके, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, नाउ अगेन लुक एट दिस, यहाँ पे आपको कुछ परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो आप सीधा एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देंगे, जैसे आपको परपेंडिकुलर दिखता है तो आपको समझने में इजी रहेगी। हमेशा ज्योमेट्री में फिगर बनाने की कोशिश करो, तो बहुत सारा काम इजी हो जाता है। ओके, नाउ आपको यहाँ पे एन एंगल 90 डिग्री का दे रखा है, हमने लिख दिया एन एंगल 90 डिग्री का, फिर यहाँ पे एम लिख लेते हैं, और यहाँ पे बचा हुआ हमारा पी लिख लेते हैं। नाउ एम क्यू का वैल्यू आप देख पाओगे, तो एन क्यू मतलब यहाँ से एन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से, इसको क्यू नाम दिया है, और एन क्यू का जो वैल्यू है, एम क्यू का वैल्यू जो है वो 9 है, क्यू पी का वैल्यू 4 है, और आपको एन क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। आई होप सो आपको ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम याद होगा। ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या बोलता है, कि जो भी 90 डिग्री से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो उसका स्क्वायर, दैट इज एन क्यू का स्क्वायर, वो परपेंडिकुलर दो हिस्सों में बांटता है हाइपोटेन्यूज को, वो जो दो हिस्से बट रहे उनके मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। तो एक हिस्सा हो गया एम क्यू और दूसरा हिस्सा हो गया क्यू पी, जो बट गए डिवाइड पार्ट में बट गए, तो एन क्यू का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना, वो एज इट इज रहेगा। एम क्यू का वैल्यू 9 है और ये 4 है, यहाँ पे लिखना ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके, डोंट फॉरगेट दिस। तो ये एन क्यू का वैल्यू आ गया आपका 36, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड,
आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना है, तो यहाँ पे एन क्यू का वैल्यू आपको मिल जाएगा 6। ओके, आई होप सो ये भी आंसर आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट टू द सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है एट एनी पॉइंट टी ऑन बाय यूजिंग अ सेंटर। सेंटर का इस्तेमाल करना है तो बहुत इजी हो जाएगा कि एक हम सर्कल बना देंगे जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर का है। तो आई होप कंपास की मदद से आप सर्कल बना दोगे। और फिर क्या करना है, यूजिंग सेंटर बोला तो सेंटर से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है कुछ इस तरीके से, कितने भी माप की बाहर तक लेके जाने वाली, और इस पॉइंट का नाम पी दे देना है। अब पी पे क्या करना है, कंपास को रखना है, कंपास की पिन को पी पे रखना है। एक आर्क आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, एक आर्क आपको यहाँ मारना है। फिर आपको पिन को लेट से इसको ए देते हो, फिर इसको नाम बी देते हो। पिन को ए पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, पिन को बी पे रख के एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, और एक लाइन जो आप ऐसे मारोगे इधर से वो आपका टेंजेंट बन जाएगा। वो मेरा टेढ़ा मेढ़ा बना आपका परफेक्ट बन जाएगा। इस तरीके से आप विथ यूजिंग सेंटर आप टेंजेंट बना सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है। आपको प्रूव करना है ये जो है वो 1 के बराबर है या नहीं। तो पहले आप यहाँ पे लिख लो एल एच एस एज इट इज, लिख दो एल एच एस विच इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये हमने एल एच एस लिख दिया बराबर। तो एल एच एस को अब क्या करना है, यहाँ पे आप देखो अच्छे से, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 10 थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बट स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाना पड़ेगा। यहाँ पे आप रीजन लिख सकते हो अच्छे से कि भाई जो 10 थीटा होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के बराबर। अब यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा, एंड इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कट हो जाएगा तो बच जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप बताओ कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा दोनों मिलके कितना होता है, 1। यस, आइडेंटिटी आपको याद होगी। यहाँ पे रीजन लिख लेना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, ये एक आइडेंटिटी है। तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस एंड हेंस प्रूफ। आगे समझ में, तो इतना सिंपल तरीके से इसको भी आपको सॉल्व करना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्कल विथ रेडियस इज 2.7 मीटर एंड एरिया ऑफ द सेक्टर इज 81। तो मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है आपको कि भैया एक सर्कल का एक छोटा सा सेक्टर है, ये रहा सेक्टर, और इस सेक्टर का यहाँ पे ये सेक्टर है पूरा, ये पूरा जो बीच का हिस्सा है दिस इज योर सेक्टर ये वाला, और इसका एरिया आपको दे रखा है 81। कितना दे रखा है, 81। ओके, 81 सेंटीमीटर का स्क्वायर ये एरिया आपको यहाँ पे दे रखा है, और आपको सर्कल का रेडियस दे रखा है 2.7। तो रेडियस हो गया 2.7। आपको लेंथ ऑफ द आर्क निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क मतलब ये आपको लेंथ फाइंड आउट करना है। तो इसका डायरेक्ट एक फॉर्मूला होता है, लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सेक्टर या सर्कल विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय रेडियस। ये फॉर्मूला याद रखना, लेंथ ऑफ आर्क का एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइड बाय रेडियस। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द एरिया दैट इज 81 एंड व्हाट इज द रेडियस दैट इज 2.7। ओके, तो अब यहाँ पे आप अगर सॉल्व करोगे 2.7, तो यहाँ पे आप साइड में मैं लिख देता हूँ 2 इंटू 81। 2.7 को मैं लिख सकता हूँ 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, ऊपर भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 81 इंटू 10, और ये हो जाएगा आपका 27। 27 वन ज़ा और 27 थ्री ज़ा, तो ये हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। देखो ना, 3 टू ज़ा 6 और ये 10, 60 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका लेंथ ऑफ आर्क। ठीक है, तो ध्यान रखना 2 इंटू एरिया अपॉन रेडियस, 2 इंटू एरिया अपॉन रेडियस। क्वेश्चन नंबर 3A, दिस इज अस अगेन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन। आपको कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, 3 मार्क्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में देखो, ए बी और बी सी एक दूसरे के बराबर दे रखा है, ए बी और बी सी एक दूसरे का बराबर दे रहा। यू कैन से दैट आइसोस्केलस, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल क्यों बोला, 90 डिग्री यहाँ पे है। एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी किसके बराबर होगा, एंगल बी ए सी, देखो साइड अगर सेम है दोनों तो दोनों एंगल भी सेम होंगे सामने सामने वाले, तो एंगल बी ए सी आपका सेम हो जाएगा बी सी ए के, बी सी ए के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना,
तो ए बी इज इक्वल टू जो बी सी है, ध्यान रखना ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे कंफर्म ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, कौन सा, ये वाला और ये वाला एंगल 45 डिग्री का हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 है, ये दोनों साइड सेम है, तो दोनों एंगल भी सेम है, इन दोनों एंगल को सेम भी होना है और मिलके 90 डिग्री भी बनना है, तो 45 45 होंगे। ओके, तो जब 45 एंगल होते हैं तो 45 एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस के 1/√2 टाइम्स होती है, होती है 1/√2 टाइम्स। नाउ एसी का वैल्यू यहाँ पे √8 दे रखा है, यहाँ पे आपको लिखना है 1/√2, तो यहाँ पे आपको लिखना है √8। अगर आप √8 से को रूट इसे डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा √4, √4 का फाइनल आंसर 2, तो यहाँ पे इस वाले ब्रैकेट में आपको 2 लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इनको डायरेक्ट सॉल्व करके आपको इस वाले ब्रैकेट में कितना लिखना है, यहाँ पे 2 लिखना है, ठीक है। मैं वापस इसको आपको बता देता हूँ लिखना कैसा है, लुक एट दिस, यहाँ पे हम लिखेंगे 1/√2, यहाँ पे इन्होंने एसी का वैल्यू पुट किया है, और यहाँ पे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये यहाँ पे √8 वापस क्यों इन्होंने ये लिखा समझ में नहीं आ रहा, बट स्टिल ओके समझ गया। यहाँ पे एक्चुअल में क्या करना है आपको, क्या √8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 2, यस 4 का स्क्वायर रूट 2, 2 बार आ जाएगा, यहाँ पे 2√2 आएगा, √2 √2 कट, तो यहाँ पे आपका जो फाइनल आंसर आ रहा होगा वो आएगा 2। ओके, तो ये 2 होगा, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, इतना इजी क्वेश्चन था, सोचो ये, ठीक है। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे इंटरनल डिवीजन दे रखा है, आपको एक पॉइंट है जिसका नाम है सी -1,2, जो यहाँ पे इन्होंने डायग्राम में भी दिखाया है, और इंटरनल सेगमेंट ज्वाइनिंग डिवाइडेड इंटरनल सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी, तो यहाँ पे ए और बी से होके ये एक सेगमेंट बना है, इंटरनली डिवाइड हो रहा है सी पॉइंट से, रेशियो 3:4 में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ए सी और ई सी का रेशियो भी दे रखा है, तो यहाँ पे अच्छे से देखो कि ये जो -1 कोऑर्डिनेट है ये एक्स कोऑर्डिनेट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले लिखना पड़ेगा यहाँ पे 3 ऑफ x, यहाँ पे लिखेंगे अपन 3 ऑफ x +4 ऑफ 2, 4 × 2, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट, देखो 3 + 4 7, तो 7 को उधर भेजा -7 आ गया, और यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3x + 4 × 2 8। अब यहाँ पे डायरेक्ट नीचे एक्स का वैल्यू दिया है, तो एक्स का वैल्यू हम डायरेक्ट निकाल देंगे, ये +8 इधर आके -8 हो जाएगा, और इधर 3x बचेगा, ये पूरा हो जाएगा आपका -15, और ये 3x, तो एक्स का वैल्यू आपको यहाँ पे -5 मिलेगा, तो यहाँ पे हमें लिखना होगा -5। सेम तरीका आगे भी अपनाया है, 3 ऑफ ये y, ये देखो 3 ऑफ y, और फिर ये 4 ऑफ y, दिस इज बिकम अगेन 20, और फिर इसको सॉल्व किया है तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई का वैल्यू डायरेक्ट निकालने बोला है, तो यहाँ पे अच्छे से देखो कैसे y का वैल्यू निकलेगा, सामने 3y + 20, और नीचे 3 + 4 7 हो जाएगा, ये इधर जाएगा ये 14 हो जाएगा, ये +20 इधर आके -20 हो जाएगा, ये 3y बचेगा, ये -6 बचेगा, ये 3y बचेगा, तो y का वैल्यू आप देख पा रहे हो -2 आ जाएगा, y का वैल्यू -2, तो -5 और -2, तो -5, -2, एंड दिस इज योर फाइनल वैल्यू। अब बोला x² और y² का प्लस करके आपको लिखना है, तो x का वैल्यू -5 है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 25, y का वैल्यू -2 उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, आंसर आ जाएगा 29, तो यहाँ पे आपको 29 भी लिखना है। तो ये एक सिंपल था, बट आप देख पा रहे हो ना, डायरेक्ट यहाँ पे y का वैल्यू निकालने बोले, तो आपको कैलकुलेशन का साइड में करना होगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपना जो एग्जाम बुक एग्जाम पेपर होता है ना, जैसा कि मान दो देखो ये एग्जाम पेपर है आपका, तो इस एग्जाम पेपर में इस वाले हिस्से में कैलकुलेशन कर लो, ऐसा चेक करने वाले को लगेगा बच्चा बहुत होशियार है, सब कुछ खुद से किया है, नहीं तो क्या आप डायरेक्ट बॉक्स भरोगे तो ऐसा लगता है किसी बाजू वाले का देख लिया, तो करो, तो एग्जामिनर को आपके लिए थोड़ा सा सिंपथी जगे कि जो बच्चा है बहुत मेहनती है, इस बच्चे ने सारा कैलकुलेशन खुद से किया, इधर उधर देखा भी नहीं, एग्जामिनर को आपके पेपर से और आपकी सच्चाई से प्रेम हो जाएगा, ठीक है, तो भूलना मत। अब वीडियो के अगर आप इस लेवल पे पहुंचे हो तो इसका आंसर कमेंट में जरूर करना, 100 × 3, मुझे पता है आप सभी को आता है, बट अगर आप इसका आंसर आप कमेंट में करते हो तो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये स्टूडेंट है वीडियो के इस लेवल तक पहुंच चुके, इतना लंबा दूर, इतना लंबा सफर उन्होंने मेरे साथ तय किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर ये 3 का जो भी है, 3 का बी वाला पार्ट है या 2 का बी वाला पार्ट है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, देखो थोड़ा सा डायग्राम बड़ा होना चाहिए था, स्टिल आपको दिख रहा होगा, नहीं तो मैं इसको जूम कर लेता हूँ थोड़ा सा आपके लिए, देखो ये क्वेश्चन है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको ये प्रूव करके देना है, ये वाला हिस्सा ये प्रूव करना है। अब अच्छे से डायग्राम में अगर देखोगे तो डी ई कहाँ पे है, तो डी ई ये रहा, ये रहा डी ई,
और बी सी बी ई कहाँ पे है, बी ई एरा, ओके सी ई कहाँ पे है, तो सी ई एरा और टी ई एरा। तो एक तरीके से ये वाले ट्रायंगल को और ये वाले ट्रायंगल को आपको पहले सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा, और सिमिलर प्रूव करने के बाद आपको ये मिल जाएगा आंसर। सिमिलर कैसे प्रूव करेंगे दोस्त, इधर देख, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा ना, होगा कि नहीं होगा, तो एंगल डी ई सी इज इक्वल्स टू एंगल टी ई बी वर्टिकली अपोजिट एंगल। जरा देखना ये डायग्राम जो है वो पैरेललोग्राम है, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड पैरेलल है, तो ये वाला साइड को तो कंटिन्यू करके हमने दूसरा वाला साइड ये नीचे लेके गए ना, तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा तो पैरेलल होगा, और ये वाली लाइन ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी, परफेक्ट। ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा ये एंगल एंड ये एंगल भी सेम होगा अल्टरनेट एंगल से। तो एंगल टी बी ई इज इक्वल्स टू डी सी ई और रीजन लिखेंगे अल्टरनेट एंगल। आ गया समझ में, बहुत सिंपल था। तो ट्राइंगल बी ई टी, ये बी सी टी मतलब ये इज सिमिलर टू ट्राइंगल बी सी टी पहले लिखा है, तो यहां से आपको लिखना पड़ेगा सी ई डी बाय ए ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। आ गया समझ में, इस तरीके से आपको आंसर करना है। अब आपको रेशो ले लेना है भैया, रेशो में क्या करना है देखो, ये बी ई हो गया आपका, ये बी ई आपका है, तो बी ई अपॉन सी ई, दूसरा क्या चाहिए आपको, बी ई अपॉन सी ई और टी ई चाहिए, तो ये टी ई हो गया, तो टी ई के मुकाबले कौन आएगा, टी ई के मुकाबले डी ई आएगा। आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा बी ई इन टू डी ई इज इक्वल्स टू सी ई इन टू टी ई। लो प्रूफ हो गया, चेक कर लो आप एज इट इज, यही आपका फाइनल प्रूफ है, आप देख सकते हो सिंपल है। तो ये एक इजी क्वेश्चन था, बच्चे ने उधर नीचे सॉल्व कर दिया जिसने पेपर मुझे दिया था पिछले साल। प्रूव दैट द अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट, इसका प्रूफ आपके टेक्स्ट बुक में एज इट इज दिया है, तो जाओ और सॉल्व कर लो, इतना तो कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बार बार पूछते हैं, तो इसको मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, वीडियो बड़ा बन जाएगा यार नहीं तो। कंस्ट्रक्शन वाला क्वेश्चन है, ये भी मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। देखो यहाँ पे दोनों जो ट्राइंगल बनने वाले हैं जॉइंट वाले ट्राइंगल बनने वाले, तो देखो एक बार कैसे करना मैं आइडिया देता हूँ मोटा मोटी आपको। लुक एट दिस, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं अपन, अभी जरूरत नहीं इतने बड़े की। हाँ, इसको कैसे करना है, आपको क्या दे रखा है, दोनों ट्राइंगल है सिमिलर है, इन दोनों ट्राइंगल में आप देख सकते हो ए और ए दोनों में आ रहा है, मतलब दोनों ट्राइंगल टच होके बनेंगे। दोनों में से बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है, ए एम साइड में देखो सात है, तो ए एम किधर है, ए एम टी बड़ा ट्राइंगल है, ठीक है। तो ए एम ए एम ए एम टी ट्राइंगल के बारे में सब इन्फॉर्मेशन दिए रखिए, और उसके मदद से आपको ए एच ई उसको जोड़ के बनाना है। तो ए एम टी के लिए आपको ए एम का वैल्यू 6.3 दे रखा है, तो आप यहाँ पे ए एम बना दोगे, कितना 6.3, मेरा टेढ़ा बन गया है। फिर आपको क्या बोला है, टी एंगल ए 50 डिग्री बोला, तो एंगल ए 50 डिग्री आप यहाँ पे बना दोगे एंगल ए। फिर आपको बोला है 5.6, टी यहाँ पे 5.6 ले लोगे और ज्वाइंट कर लोगे कुछ तरीके से, ये आपका ए एम टी तो यहाँ से बन गया। आगे क्या बोला है कि भैया दोनों में से बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, तो आपको एक लाइन माननी है यहाँ पे, और इस लाइन के 7 पार्ट करने, कितने पार्ट करने हैं, 7 पार्ट करने, 1 2 3 4 5 6 7। अब मुझे बताओ सेवेंथ पार्ट जो आपने किया वो किसके करस्पॉन्डिंग है, वो ए एम के करस्पॉन्डिंग है, तो ए एम मतलब बड़ा वाला ट्राइंगल, तो सेवेंथ वाले पॉइंट को सेवेंथ वाले पार्ट से ज्वाइंट कर लो, सेवेंथ वाले को ट्राइंगल के टर्मिनल पे ज्वाइंट कर लो। फिर कौन सा दिया, 5 रेशो दिया, तो यहाँ से एक आर्क आपको ड्रॉ करना है, और 5 पे रख के आपको एक आर्क ड्रॉ करना है, ये आर्क का डिस्टेंस आपको लेना है, और यहाँ पे ऐसे क्रॉस करके यहाँ तक जाना है, और फिर इधर से इससे जाना सेम प्रक्रिया के थ्रू, ऐसे करके ये माप लेना है आपको, यहाँ पे ऐसे करना और यहाँ पे एक लाइन मार देनी है। तो कुछ डायग्राम ऐसे बनेगा, आप बनाओ और कमेंट में बताना भैया आपने कंस्ट्रक्शन बना दिया, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से देखो, समझो बढ़िया से। फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग, 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, उसके टॉप पे आप खड़े हो, एक बिल्डिंग बना देते हैं 7 मीटर हाइट की, हम उसके टॉप पे हम खड़े हो जाते हैं। देखो 7 मीटर हाइट की बिल्डिंग है, इसके टॉप पे हम खड़े हैं कुछ इस तरीके से। आगे देखो, एट द एंगल ड्यूरिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, उस बिल्डिंग के सामने एक टावर है, क्या है, टावर है, ये रहा एक टावर बना देते हैं हम, ये टावर है हमारे बिल्डिंग के सामने ही, बुर्ज खलीफा खड़ा कर देते हैं, और इस बिल्डिंग पे खड़े होकर इस टावर का टॉप का हम हिस्सा देख रहे हैं कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे ऊपर करके देखना पड़ेगा, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा,
एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री टॉप ऑफ द टावर, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जब मैं इस टावर का नीचे वाला हिस्सा देख रहा हूँ यहाँ से, तो मैं कितने एंगल से यहाँ पे मुझे बेंड होना पड़ रहा है, मेरा सर घुमाना पड़ रहा है 45 डिग्री पे, ठीक है ना। इस तरीके से फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट आपको फाइंड करना है। तो मुझे बताओ, लेट्स इसको मैं एक्स मानता हूँ, इसको वाई मानता हूँ, एक्स प्लस वाई करूंगा फाइनली तो आई विल गेट द हाइट ऑफ द टावर, परफेक्ट है। तो जरा ये ध्यान दो कि जो टावर है 7 से हाइट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ एलिवेशन एंड ओके नाउ लुक एट दिस। अगर मैं बिल्डिंग के हाइट पे खड़े होकर देख रहा हूँ इस टावर को, तो ये 7 मीटर की जो बिल्डिंग है इसका मतलब ये सामने वाली साइड भी 7 मीटर होगी, एक्स का वैल्यू 7 मीटर हो जाएगा, क्योंकि ये तो भाई सेम ही होगा ना, जहाँ पे मैं खड़ा हूँ टावर का हिस्सा जितना मैं खड़ा हूँ तो ये तो सेम ही होगा। तो ये तो हो गया हमारा 7 मीटर के आसपास होगा, क्लियर है। एक्स का वैल्यू 7, नीचे वाला हिस्सा 7 मीटर आ गया। अब जरा ध्यान देना, अब इस डायग्राम में ध्यान देना कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये 45 डिग्री है। तो टेन ऑफ 45 कितना होगा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे नाम दे देते ऑब्जर्वर ए बी सी और ये डी, फुट हो गया हमारा डी। तो टेन 45 क्या होगा, अपोजिट साइड, तो अपोजिट साइड कितना हो जाएगा बी डी अपॉन एडजेसेंट साइड, तो बी ओ। अब एडजेसेंट साइड तो हमें नहीं पता, अपोजिट साइड पता है, तो यहाँ पे बी डी का वैल्यू 7, बी ओ का वैल्यू हमें नहीं पता है, और टेन 45 होता है दोस्तों 1, तो यहाँ पे बी ओ का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई करके 7 आ गया। तो आप देख पा रहे हो ये जो बेस है इसका वैल्यू 7 आ गया, ठीक है। अब मैं ऊपर वाले ट्रायंगल में टेन 60 डिग्री लगा रहा हूँ, तो टेन 60 इज इक्वल टू अपोजिट साइड मतलब ए बी, और बेस हो जाएगा यहाँ पे बी ओ। तो आप देख पा रहे हो बी ओ का वैल्यू 7 पहले ही मिल चुका है ए बी, और टेन 60 दोस्तों होता है 1/√3, तो टेन 60 का वैल्यू आ जाएगा 7/√3 इज इक्वल टू ए ऑफ बी। कुछ गलत तो नहीं हुआ, चेक कर लो भाई 7/√3 की नहीं है, अपोजिट ए बी अपॉन बी ओ, ए बी अपॉन बी ओ, और टेन 60 सॉरी मैंने यहाँ पे टेन 60 का वैल्यू गलत दिख दिया, वेरी गुड, कमेंट करके बता दिया करो, परफेक्ट। टेन 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, देखो आपके साथ भी गलती हो सकती है। तो ये 7/√3 आ गया, तो ए बी आ गया, ए बी का मतलब भी हमारा वाई है, तो वाई का वैल्यू हमें मिल गया 7/√3, और ये तो एक्स सेम होगा क्योंकि सामने जितना बिल्डिंग होगा, आप बिल्डिंग पे खड़े होकर देखोगे तो सामने जो पॉइंट एकदम सामने होगा वो तो नीचे जितना बिल्डिंग का हाइट है उतना ही होगा, तो वो 7 हो गया। तो टावर का हाइट हो गया एक्स प्लस वाई विच इज इक्वल टू वॉट, एक आ गया आपका 7, दूसरा आ गया आपका 7/√3, 7 को कॉमन निकालोंगे वो बचेगा आपका 7/1/√3। इसको आगे भी आप सॉल्व कर सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको रूट थ्री का वैल्यू दे रखा है, तो आपको पुट करना है यहाँ पे, तो रूट थ्री का वैल्यू दे रखा है, पुट कर लेते हैं अपन, यहाँ पे थोड़ा साइड में ले लेते हैं इसको, 7+1/√3 का वैल्यू 1.73, तो ये हो जाएगा आपका 7+7 × ब्रैकेट के बाहर है ना 7 × 2.73, और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, कमेंट करके आंसर बताओ मल्टीप्लाई करने के बाद। चलो जल्दी से इतना काम तो आप कर सकते हो, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर में कोई भी दो सॉल्व करने, हम यहाँ पे दो ही करेंगे, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, यहाँ पे आपको एडी एक एल्टीट्यूड दे रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी पे बनाना है आपको, तो यहाँ पे हम एबीसी नाम का एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं जिसको तीनों साइड सेम होती है, और नाम दे देते हैं एबीसी, और बीसी के ऊपर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया, एक एल्टीट्यूड मतलब ये एल्टीट्यूड होता है 90 डिग्री का, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप देखोगे एडी इज अ बेस ऑफ अनदर इक्विलेटरल ट्रायंगल, एडी को बेस मान के आपको एक नया इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना है और उसका नाम होगा एडीई। तो ए बी ए डी को बेस मानना, तो ये डी है, तो इसको बेस मान के एक नया इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देते हैं, उसका नाम होगा ए डी ई, ठीक है। प्रूव दैट आपका जो ए डी ई है, ए डी ई है और ए बी सी है, उसका रेशियो 3/4 है। अच्छे से ध्यान देना आप, जरूर आपको पूरा आंसर समझेगा। ये जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है, उसके साइड को मैं ए मान लेता हूँ, बराबर कि नहीं। तो मुझे बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब आप कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो वो परपेंडिकुलर सामने वाली साइड को 200 में बांटती है। तो अगर ये पूरा साइड आपका ए के बराबर है, तो ये साइड कितना हो जाएगा, ए बाई टू के बराबर, डी ई डी सी आपका ए बाई टू के बराबर हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया, डी सी आपका किसके बराबर हो जाएगा, ए बाई टू के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपको डी सी मिल गया ए बाई टू के बराबर, आपको यहाँ पे ए पता है, तो क्या आप ये वाला हाइपोटेनस निकाल सकते, ये वाला अपोजिट साइड निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम मध्य से। तो पूरा अच्छे से ध्यान देना, लेट कंसीडर ईच साइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी इज ए, ट्रायंगल एबीसी के हर साइड को हमने ए माना, ठीक है। नाउ
टू फाइंड, हम फाइंड कर रहे हैं एडी का वैल्यू इन ट्रायंगल एडीसी, क्या होगा एसी स्क्वायर इज इक्वल टू एडी स्क्वायर प्लस डीसी का स्क्वायर। एसी का वैल्यू देखो ए है, ए, एडी का वैल्यू नहीं पता और एसी का वैल्यू ए बाई टू हो जाएगा, आधा सीडी का वैल्यू आधा हो जाएगा, दैट इज ए बाई टू का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये एडी स्क्वायर और ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन फोर, यहाँ जाके माइनस होगा ना, ये होगा ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई फोर इज इक्वल टू एडी का स्क्वायर। अब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा थ्री ए स्क्वायर बाई फोर एडी का स्क्वायर, और स्क्वायर रूट लोगे तो ये रूट थ्री में चला जाएगा, ए बाहर निकल जाएगा, फोर का स्क्वायर रूट टू हो जाएगा, तो एडी का वैल्यू आपको मिल गया रूट थ्री ए अपॉन टू। अब एडी का वैल्यू आपको रूट थ्री अपॉन टू मिला, तो ये भी तो हमारा ट्राइंगल ही है ना, ये भी तो हमारा कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल, सॉरी इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो सारी वैल्यू कितनी होगी, सारी साइड इसकी भी रूट थ्री अपॉन ए टू के बराबर होगी, रूट थ्री ए अपॉन टू के बराबर होगी, दूसरे वाले ट्राइंगल की सारी साइड हो जाएगी रूट थ्री ए अपॉन टू। ओके, तो साइड्स ईच साइड ऑफ ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल है ए डी इज रूट थ्री ए अपॉन टू। नाउ हमें बोला है एरिया का रेशियो थ्री बाई फोर हमें प्रूव करना है, तो मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा। देखो ए बी सी का एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा बेस इंटू हाइट होता है, तो मुझे बताओ बेस कितना है ए बी सी का, ए है, और हाइट कितनी है, हाइट मतलब एल्टीट्यूड, तो इसकी जो हाइट है यहाँ पे वो कितनी है, वो हमारी हो जाएगी, अभी हमने निकाली ना बेस इंटू हाइट, तो यहाँ पे वो जो हाइट हो जाएगी रूट थ्री ए अपॉन टू, तो बेस ए इंटू हाइट रूट थ्री ए अपॉन टू, ये हो गया हमारा पहले वाले, या आप बोल सकते हो देखो सिंपल सा मैं बताता हूँ, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, वाई ए बी सी और ए डी सिमिलर है या नहीं, क्या सिमिलर है, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल क्या सिमिलर है, क्योंकि दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई बिकॉज बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल, सो वी कैन से दैट उनके जो एरिया का रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा, परफेक्ट ए डी ई करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। तो देखो अगर मैं बड़े वाले ट्राइंगल की बात करूँ तो उसका साइड ए है तो उसका ए स्क्वायर, और छोटे वाले दूसरा ट्राइंगल जो है उसका अगर मैं बोलूँ उसका साइड रूट थ्री बाई टू है उसका ये हो जाएगा एरिया का रेशियो, तो ऊपर ए स्क्वायर आ गया रूट थ्री का स्क्वायर थ्री, ए का स्क्वायर एट, फोर का ये फोर, ये ए स्क्वायर कट, फोर ऊपर चला जाएगा फोर अपॉन थ्री आ गया। अभी हमें देखो प्रूव क्या करना, हमें प्रूव करना है ये हमने जो निकाला वो ए बी सी अपॉन ए डी ई है, ए बी सी अपॉन ए डी ई है, हमें निकालना ए डी ई अपॉन ए बी सी, तो उल्टा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत हुई नहीं तो हम उसको उल्टा कर देते हैं, लुक एट दिस, यहाँ पे उल्टा कर देंगे, तो ए डी ई अपॉन ए बी सी का जो एरिया है उसका रेशियो आपको दिख रहा है थ्री अपॉन फोर, और ये हो जाएगा हैंस प्रूफ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, देखो समझा होगा, थैंक यू, देखो ट्राई करो समझने की कोशिश करो, इट्स वेरी इजी, बहुत मुश्किल होता है 40 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करना मेरे लिए, बहुत बड़ा और बहुत बड़ा समय भी लग जाता है उसमें। ओके, नाउ दिस इज अगेन वन ऑफ द बिग क्वेश्चन जो हमें सॉल्व करना है, हमें यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश करूंगा बहुत बढ़िया से। नाउ लुक एट दिस, हमें प्रूव करना है कि भाई जो सी बी है वो सी क्यू के बराबर प्रूव करना है, सी बी किधर है इसको हम तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं, सी बी किधर है हमारा, सी बी ये रहा, सी बी जो है हमारा ये वाला तो हमें प्रूव करना है सी क्यू के बराबर, ये रहा सी क्यू के बराबर। ठीक है, कैसे करेंगे ध्यान दो, सबसे पहले अगर आप अच्छे से देखो तो ये जो ट्रायंगल दे रहा है कॉर्ड ए बी, कॉर्ड बी सी और कॉर्ड ए सी सेम है, मतलब कॉर्ड ए बी बी सी और ये पूरा कॉर्ड सेम है, ये पूरा कॉर्ड सेम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। यहाँ पे आप बोल सकते हो भाई जो हमके ट्रायंगल यहाँ पे हमें पता है ट्रायंगल का नाम क्या है, ट्रायंगल ए बी सी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा बराबर के नहीं, तो एंगल बी ए सी कितना डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, ये भी 60 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो मुझे बताओ ये कितना होगा, तो एंगल बी सी क्यू है वो हो जाएगा 180 माइनस 60 डिग्री, बिकॉज वाई, वेरी गुड, बिकॉज वो एक लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर एंगल है, लीनियर एक सीधा लाइन स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल बना हुआ है, तो ये हो गया आपका 120 डिग्री, बी सी क्यू मिल गया। अब जरा मुझे बताओ अच्छे से ध्यान देना, आप डायग्राम में आपको हर एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा, यहाँ का डायग्राम में आप ध्यान देना, बस डायग्राम में अच्छे से देखोगे ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल दो आर्क को दो दो कॉर्ड के बीच का एंगल है, कैसे मैं बता रहा हूँ, आप ये वाली कॉर्ड को अच्छे से ऑब्जर्व करो, ये वाली कॉर्ड
एक तरीके से ये कॉर्ड है और एक तरीके से ये भी कॉर्ड है। इन दोनों कॉर्ड को अगर मैं लंबा करूं तो दोनों कॉर्ड बाहर मिल रही है, तो ये जो एंगल है इन दोनों कॉर्ड के बीच का एंगल है। दोनों कॉर्ड के बीच का एंगल निकालने के लिए एक फॉर्मूला है हमारे टेक्स्ट बुक में, उसको हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा। बट उसके पहले हमें बहुत सारी चीजें और भी समझनी है, पहले हम ये एंगल निकालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुझे बता सकते हैं इस आर्क का मेजरमेंट कितना होगा? ये आर्क आपको दिख रहा है, ये आर्क का मेजरमेंट कितना होगा वो आपको सोचना है, लुक एट दिस। और फिर आपको ये भी सोचना है कि ये वाले आर्क का मेजरमेंट कितना होगा, ये वाला आर्क, ये दिख रहा है ये वाला आर्क, इस आर्क के मेजरमेंट के बारे में बताना है। तो ये आर्क अगर मैं बोलूं तो ये आर्क देखो आप इस एंगल के सामने है, तो ये एंगल आपको पता 30 डिग्री है, क्योंकि 60 डिग्री का आधा है, क्योंकि दिस इज एंगल बाइसेक्टर। ओके, तो ये आर्क का मेजरमेंट हो जाएगा 30 का डबल 60, परफेक्ट, 30 का डबल 60। ये आर्क का मेजरमेंट देखो, ये आर्क जो है इस वाले एंगल के सामने है, ये वाला एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल के सामने, ये एंगल 60 डिग्री है, तो इस आर्क का मेजर हो जाएगा 60 का डबल 120। परफेक्ट, इतना काम हमारा यहाँ पे हो चुका है, हमें दोनों आर्क का मेजरमेंट मिल गया। अब हमें इस एंगल का मेजरमेंट निकालना है, तो एंगल ए क्यू बी दिख रहा है ना, इसको ए क्यू बी बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ए क्यू बी, वो होता है हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क सीपी, सीपी हाफ ऑफ मेजरमेंट ऑफ आर्क, बड़ा वाला आर्क, पहले बड़ा वाला आर्क, सीपी नहीं, पहले बड़ा वाला आर्क कौन सा है यहाँ पे, मेजरमेंट ऑफ आर्क, मेजरमेंट ऑफ आर्क, आर्क बड़ा वाला कौन सा, ए बी, ए बी बड़ा है यहाँ पे, लाल कलर में देखो दोनों जो मार्किंग किया, माइनस मेजरमेंट ऑफ आर्क सीपी, ये हो गया 120 और ये हो गया आपका 60 और ये इधर आधा, तो 120 ये आ गया आपका 30 डिग्री। ये पूरा आप सॉल्व करोगे तो ए क्यू बी जो आपको मिलेगा, ए क्यू बी, ये आएगा आपका 30 डिग्री। तो ये जो इधर का एंगल है ये आपको यहाँ पे मिल चुका है 30 डिग्री का, ठीक है। अब मुझे बताओ ये आपको मिला 120 डिग्री मिला था ना पहले, देखो ना यहाँ पे 120 डिग्री, ये 30 मिला है, तो 120 और 30 150 हो गया, तो बचा हुआ कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए, क्योंकि 180 डिग्री टोटल एंगल का होता है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से एकदम फोकस, ये जो ट्रायंगल था, ये पूरा ट्रायंगल, इस पूरे ट्रायंगल में ये था 30 डिग्री, ये था 120 डिग्री, तो ये भी तो 30 डिग्री हो जाएगा बचा हुआ। अब देखो दोनों एंगल सेम हो गए, तो दोनों एंगल के सामने वाली साइड भी तो सेम होगी, तो यहां से हमने प्रूव कर दिया भैया कि एंगल ए क्यू बी और एंगल सी बी क्यू दोनों 30 डिग्री है, तो सेम एंगल के सामने वाली साइड भी सेम होती है। तो हमने प्रूव कर दिया कि सेगमेंट सी बी हमारे सेगमेंट सी क्यू के बराबर होगा। देखो भाई पूरा मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, समझना अच्छे से समझना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझ जाएगा आप लोग अगर ट्राई करोगे पूरी तरीके से, ठीक है। नाउ लुक एट दिस, ये जो क्वेश्चन है ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, लगभग लास्ट वाला जो होता है ना हमारा मेन फाइनल क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और सिंपल भी है। क्यों सिंपल बोला जा रहा भैया, देखो जरा ये एन है, ये वाला एंगल जो है हमारा एन है, तो ये वाला एंगल क्या होगा, एन का डबल, इंस्क्राइब्ड एंगल सेंट्रल एंगल से आधा होता तो सेंट्रल एंगल इंस्क्राइब्ड एंगल से डबल होगा, तो एंगल बी ए सी आपको एन दे रखा है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो क्वेश्चन में भी लिखा हुआ है बी ए सी एन दे रखा है यहाँ पे, तो एंगल बी ओ सी हो जाएगा 2 times ऑफ एल इंस्क्राइब्ड, आप लिख सकते हो इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम, इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम आपको यहाँ पे रिजल्ट लिखना है, यहाँ तक क्लियर है। अभी आगे देखो ये मिल गया, अब एंगल बी सी ओ बी आपको एम दे रखा है, बी सी ओ बी आपको एम दे रखा है यहाँ पे, ठीक है, बी सी ओ एम दे रखा है, ये आपको 2n दे रखा है, और डायग्राम में अच्छे से ध्यान दूंगे तो ये जो बी ओ है और ये ओ सी रेडियस है, दोनों साइड सेम है, ये एंगल अगर m है तो ये एंगल भी तो m ही होगा ना, ये एंगल तो एंगल कौन सा है, एंगल है ओ बी सी बी हमारा m होगा, एंगल अपोजिट टू सेम साइड, समझ में आया क्या, सेम साइड के सामने वाले एंगल सेम होते हैं भैया, ठीक है हो गया। अब पूरे ट्रायंगल में ध्यान देना, ट्रायंगल बी ओ सी में ध्यान देना भैया, एक एंगल m था, दूसरा एंगल भी m था और तीसरा एंगल 2m था, तीनों मिलके तो 180 होगा, m प्लस m कितना होगा 2m और ये 2m, इधिकस 180 डिग्री, 2 कॉमन निकल जाएगा तो m प्लस n इधिकस 180 और कॉमन निकला हुआ 2 डिवाइड में आ जाएगा, तो m प्लस n का वैल्यू हो जाएगा 90 डिग्री। आ गया समझ में, आई होप
आई होप आप में से काफी सारे लोग वीडियो के एंड तक पहुंचोगे, हर क्वेश्चन को समझने की कोशिश की होगी। मैंने भी बहुत ट्राई किया हर क्वेश्चन को आपको समझाने की। अगर वीडियो पसंद आया और मेरे एफर्ट्स अच्छे लग रहे हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो को, चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, पेपर्स के अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करना, अच्छे मार्क्स आप एक्वायर करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।